युवा कांग्रेस ने देश में बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। युका प्रदेश अध्यक्ष मनीष ठाकुर के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महंगाई से शादी करार देकर बारात निकाली। युका का आरोप है कि केंद्र सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में विफल रही, तो वहीं प्रदेश की जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ने के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार बस किराए में बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है। प्रदेश में यदि बस किराया बढ़ाया गया तो युका मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों और विधायकों का घेराव करेगी। इसके अलावा उन्होंने देश के बैंकों से हजारों करोड़ रुपया लूट कर देश छोड़कर भागे शराब कारोबारी विजय माल्या को भगाने में वित्तीय मंत्री अरुण जेटली का हाथ बताया। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मुनीश ठाकुर ने कहा कि देश में तेल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार तेल के दाम कम नहीं कर रही है। वहीं रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर लगाम लगाने में बिल्कुल नाकाम रही है। युका महासचिव एवं कांगड़ा प्रभारी सुरजीत भरमौरी ने कहा कि केंद्र से महंगाई की मार झेल रही प्रदेश की जनता को तंग करने के लिए प्रदेश सरकार अब बस किराए में बढ़ोतरी की योजना बना रही है। यदि ऐसा हुआ तो युका प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी है। इसी का नतीजा है कि जिला परिषद कांगड़ा उपाध्यक्ष चुनाव में भाजपा समर्थित जिला परिषद सदस्यों ने भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ ही मतदान किया है। वहीं मंत्रियों के दुर्व्यवहार के कारण भाजपा समर्थित छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। अपनी ही सरकार के मंत्रियों के पुतले फूंकने को छात्र संगठन मजबूर हो गए हैं। इस मौके पर युका प्रदेश उपाध्यक्ष शेखर शेट्टी, महासचिव अमित पठानिया, गोल्डी चौधरी कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र के अध्यक्ष नीतू चौधरी और एनएसयूआई के पूर्व जिला अध्यक्ष जितेंद्र धीमान आदि मौजूद रहे। कि हम पूरे प्रदेश के अंदर जो केंद्र सरकार की भ्रष्टाचार और खास तौर पर जो आम जनमानस से जो जुड़ा हुआ मुद्दा है महंगाई, उसके खिलाफ हम पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर और विधानसभा स्तर पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से पिछले चार साल पहले नरेंद्र मोदी जी और इनकी टीम ने बाबा रामदेव जी और अन्ना हजारे जी को एक मुखौटा बनाकर आगे किया था। उसमें जब डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ती थी तो रामदेव जी ये कहते थे कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ, डीजल और पेट्रोल आपको 40 रुपए में मिलेगा। आज कहाँ है बाबा रामदेव जी और अन्ना हजारे, हम उनसे पूछना चाहते हैं। आज इनके जो केंद्रीय मंत्री हैं वो बयान देते हैं कि पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं, जो महंगाई में वृद्धि है, वो हमारे हाथ में है। सरकार का ये काम है, सरकार के मंत्री इस तरह का बयान देते हैं। सरकार का दूसरा नाम है वेलफेयर, मतलब कल्याण, वो लोगों की कल्याणकारी योजनाएं लाते हैं। आज जिस तरह से देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, हर दिन रोज भ्रष्टाचार के नए नए स्कैम आ रहे हैं। कभी राफेल डील के नाम पे स्कैम आता है जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत घातक है, और अभी आप देख रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को कितना खतरा है। नीरव मोदी भाग रहे हैं, माल्या भाग रहे हैं, मेहुल चौकसी भाग रहे हैं, दलित मोदी भाग रहे हैं, किसका पैसा लेकर भाग रहे हैं? इस देश की आम जनता का पैसा, हमारा पैसा लेकर भाग रहे हैं। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है? जब सेटलमेंट की बात आती है, बड़े बड़े उद्योगपति संसद भवन के सेंट्रल हॉल में बात करते हैं वित्त मंत्री अरुण माल्या जी से, और जो कि उन्होंने विदेश में जाकर अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही ध्यान दिया था कि मैंने अरुण जेटली जी से सेटलमेंट की बात की। हम इस देश के वित्त मंत्री से पूछना चाहते हैं कि उनकी वो सेटलमेंट क्या थी, वो इस देश की जनता को जगजाहिर करे, उनके बीच क्या बातचीत हुई, वो सेटलमेंट क्या उनकी व्यक्तिगत थी, पार्टी स्तर पर थी, या उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन्वॉल्व थे, या देश के हित में थी, वो लोगों के बारे में बताएं। क्यों वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, क्यों लोगों से वो सच्चाई छुपा रहे हैं? और हम प्रदेश सरकार को भी चेताना चाहते हैं, जिस तरह से मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही है कि आगामी जो कैबिनेट